संन्यास और दिशा भाग सातवां। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति वर्ण और किसी भी उम्र से अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मुंह छोड़कर शिव भक्ति की समाधि लगाकर लीन होना बताया गया है। और प्राचीन काल में राजा महाराजा भी इसी तरह अपना राजपाट छोड़कर सन्यास इसी तरह लिया करते थे, ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताएं। नाथ संप्रदाय में आने से नाथ बनने तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। और बता दें कि विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है, जैसे कि बाबा बालकनाथ जी, क्योंकि ज्ञान समझ और बुद्धि किसी भी उम्र में आ सकती है। इन्होंने नाथ संप्रदाय में आकर बल बुद्धि शिक्षा ग्रहण की और मात्र 12 साल की उम्र में नाथों में विशेष स्थान प्राप्त किया। और ये भी सत्य है कि नाथों में नियम बहुत कठोर होते थे। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले की उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता था। और ये भी कि वो कभी भी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता है। वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन नहीं कर सकता है, लेकिन राज दरबार या राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते थे। और ये भी कि हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता था, और किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग या जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर बदले में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा से सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। और ये भी कि वह रोग को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की आभूषण मुद्रा आदि ना ले सकता है और ना इसका संचय कर सकता है। और बता दें कि महाराष्ट्र में जो नवनाथ भक्ति सागर ग्रंथ प्राप्त हुआ है और जो गुरु महेंद्र नाथ लिखा हुआ है, और उस आधार पर ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय गुरु या गोरक्ष द्वारा निर्मित है। और भी बहुत कठोर नियम होते थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आखिर में नाथ संप्रदाय से नाथ, नाथों से 84 सिद्ध और सिद्धों से संत, उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय बाबा जी की जय।